हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं और आपने अपना नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है या आपने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर डाल दी हैं, तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपको एक साल के अंदर पूरे करने होते हैं। मतलब 365 दिन में आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है और मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल पे अर्निंग शुरू होती है एड्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आजकल के यूट्यूबर्स को कि उसके उनके जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो तो वो इधर उधर से पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम है 4000 घंटे का, पूरा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ और एक ऐसा तरीका आपको सिखाने वाला हूँ जिसका आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप भेज सकते हैं और आपका चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा अगर सब कुछ उसमें सही हुआ, कोई कॉपीराइट नहीं हुआ तो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर हमें वाइट स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो मैंने इसे यहाँ पे ओपन कर लिया है और एक मैंने डमी अकाउंट से आपको सिखाने के लिए यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आपको अपने यूट्यूब चैनल का जो अकाउंट है उससे लॉगिन कर लेना है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एनालिटिक्स के अंदर जाना है। इस पूरी प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप को, ठीक है। तो हमारा इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको नीचे टॉप वीडियोस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी टॉप वीडियोस आ जाएंगी, जिन वीडियोस पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे मेरी एक ही वीडियो दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मेरा ये डमी अकाउंट है। आपका जो अकाउंट है, आपने 10-15 वीडियो डाली होंगी, उनमें से जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगी। तो उसमें सबसे ऊपर एक वीडियो आपको दिखाई देगी। अब आपको पहला स्टेप तो ये करना है कि आपको यहाँ पे टॉप वीडियोस के अंदर आना है और देखना है कि किस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको वापस डैशबोर्ड पे आ जाना है और आपकी जो सबसे लेटेस्ट जो आपने वीडियो डाली है, जो सबसे रिसेंट वीडियो है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इसमें एडिट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपनी जो रिसेंट लेटेस्ट वीडियो है उसका आपको ये टाइटल दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे हम, फिर आपको बैक आ जाना है, यहाँ से फिर से बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको वापस एनालिटिक्स के अंदर जाना है, उसके बाद टॉप वीडियोज़ में जाना है। तो जो जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो जो सबसे ऊपर होगी, आपको उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको इसके बाद यहाँ पे इसके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है एडिट में। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टैग्स दिख रहे हैं आपको नीचे, यहाँ पे टैग्स पे आपको क्लिक करना है और जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टैग बन गया। और आपको जो डिस्क्रिप्शन है इसका, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे भी आपको उसे पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। बैक आ जाना है और फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो इससे क्या होगा, इसमें ऐसा करने से कि इसकी जो आपकी जो ये टॉप वीडियो है इस पर आपके व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोग जब भी इस पर व्यूज़ देखेंगे इस वीडियो को, तो इसमें जो हमने कॉपी करके डाली है वो वाली वीडियो इसकी सजेस्टेड में आएगी, मतलब सजेस्ट वीडियो में आएगी, जिससे लोग उस पर भी क्लिक करके उसे देखेंगे और आपका वॉच टाइम व्यूज़ बढ़ेंगे, तो आपका वॉच टाइम जल्दी कम्प्लीट होगा। इसी तरीके से आप जो भी रिसेंट वीडियो डालें वो जो भी आपकी टॉप वीडियो है, ठीक है, टॉप्स वीडियो, टॉप 10 वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 5 ले सकते हैं अगर आपके कम वीडियोस डाली हुई हैं आपने, तो उन टॉप 5 वीडियोस में उन सबको आप ऐसे ही कॉपी करके डालते जाएं उनके डिस्क्रिप्शन में और टैग में उसका टाइटल डालते जाएं जो आपकी लेटेस्ट वीडियो है। तो इससे आपकी वो वीडियो जो है
वो उस टॉप वीडियो की सजेस्ट वीडियो में आएगी, जिससे लोग उसे भी देखेंगे और उस पर भी व्यूज़ बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये तरीका सीख लिया होगा, आप ज़रूर इस तरीके को अप्लाई करके देखें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।